दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं नेटो स्टडी चैनल। तो आज हम बात करने वाले संडक फेनोमेना के बारे में, जो हाल ही में चाइना में देखने को मिला है। संडक फेनोमेना नॉर्मली कुछ नहीं, बस एक फेनोमेना है जिसके अंतर्गत आप एक टाइम में डिफरेंट सूरज को देख सकते हैं, यानी सन को देख सकते हैं। ठीक है, तो चाइना में अभी हाल ही में एक दिन पहले 3 सूरज दिखाई दिया, तो वो भी 3 घंटों के लिए। ठीक है, तो संडक फेनोमेना के बारे में देखते हैं। टिपिकली हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत देखेंगे कि एक्चुअली ये संडक फेनोमेना काम कैसे करता है और ये फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, संडक को सनडॉग भी बोलते हैं, ठीक है, और मॉक सन भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मली कॉल्ड परहेलियन भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसे पुलर में परहेलिया कहते हैं। ठीक है, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम स्टडी करते हैं मेट्रोलॉजी मीन्स मेटल्स वगैरह के बारे में। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड डिफरेंट थिंग्स। तो मेट्रोलॉजी में परहेलिया एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है, उसी से लिया गया है। इज एन एटमोस्फेरिक ऑप्टिकल फेनोमेना, संडक जो है एक ऑप्टिकल एटमोस्फेरिक फेनोमेना है। डैट कंसिस्ट ऑफ अ ब्राइट स्पॉट टू वन और बोथ साइड्स ऑफ द सन, जो कि सूरज के दोनों साइड देखने को मिलता है। टू सनडॉग्स ऑफ फ्लैंक द सन विद इन 22 डिग्री हेलो। ठीक है, दो सनडॉग जो होता है ये फ्लैंक करता है सन के 22 डिग्री हेलो के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं फोटो में जो 3 सूरज दिखाई दे रहा है। तो हाल ही में ऐसा देखने को मिला, ये रेयरली कहीं कहीं दिखने को मिलता है बहुत सालों के बाद। ठीक है, तो हाल ही में चाइना में देखने को मिला। ठीक है, द सनडॉग इज अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ हेलोज कॉज बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई आइस क्रिस्टल्स इन एटमोसफेयर। तो हमें पता है, हमने क्लास 9th और 10th में पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो लाइट के जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है, सेम चीज़ यहाँ पे होती है। ठीक है, जब किसी आइस क्रिस्टल अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तो उसकी हेल्प से क्या होता है कि सन का एक डिफरेंट इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, सेम डिफरेंट इमेज फॉर्म होता है, जिसे हम मिरर इमेज भी कह सकते हैं या फिर वर्चुअल इमेज भी कह सकते हैं। सनडक टिपिकली अपेयर्स एज पेयर ऑफ सब्टली कलर्ड पैचेज ऑफ लाइट्स अराउंड 22 डिग्री। ये जो होता है हमेशा 22 डिग्री के आसपास ही होता है। टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द सन, सूरज के दोनों साइड, जो टिपिकली जो सूरज होता है वो सेंटर में होगा, और जो उसका वर्चुअल और दूसरा इमेज बनता है वो हमेशा उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 22 डिग्री एंगल पर बनता है। ठीक है, तो यही सनडॉग फेनोमेना होता है। द सेम एल्टीट्यूड अबव द होरिजन एट द सन, जो होरिजन होता है सन के होरिजन में हॉरिजेंटली उसी पे वो बनता है। दे कैन सीन एनी वेयर इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग एनी सीजन, ये दुनिया किसी कोने में किसी भी सीजन में देखने को मिल सकता है। बट आर नॉट ऑलवेज ऑब्वियस और ब्राइट, यह हमेशा ब्राइट नहीं हो सकता। ठीक है, सनडॉग्स आर बेस्ट सीन एट मोस्ट कॉन्स्पिशियस वेन द सन नियर टू द होरिजन। ये ज़्यादातर देखने को तब मिलता है जब सन जो होता है वो होरिजन के पैरेलली होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड में होता है उसके फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से फॉर्म होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज में। सनडॉग आर कॉमनली यूज बाय द रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेट शेप्ड हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल आइदर सस्पेंडेड इन हाई एंड कोल्ड साइरस और सर्किटेरस क्लाउड्स और ड्रिफ्टिंग इन फ्रीजिंग मॉइस्ट एयर एट लो लेवल एज डायमंड डस्ट। द क्रिस्टल एक्ट एज प्रिज्म, जो प्रिज्म हमने क्लास 9th और 10th में पढ़ा था कि उससे जब रिफ्रैक्शन होता है लाइट, उसी तरह से सेम सनडॉग फेनोमेना वर्क करता है। द बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज, जब भी जैसे कि हमें पता है प्रिज्म के अंदर से जब कोई लाइट रे पास करता है, तो वो क्या होता है, बेंड हो जाता है रेज। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे होता है। जैसे आइस क्रिस्टल अगर एटमोसफेयर में प्रेजेंट है, तो सन का लाइट उस पर पड़ा। ठीक है, उसके बाद वो लाइट जो लाइट रेज जो क्या होता है, वो बेंड हो जाता है। बेंडिंग द लाइट रेज पासिंग थ्रू देम विद अ मिनिमम डिफ्लेक्शन ऑफ 22 डिग्री। 22 डिग्री मैं बार बार बोल रहा हूँ, 22 डिग्री, तो मिनिमम हेलोस का जो डिफ्रैक्शन होता है वो 22 डिग्री पे ही होता है। एज द क्रिस्टल जेंटली फ्लोट डाउनवर्ड्स विद देयर लार्ज हेक्सागोनल फेसेस ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, सनलाइट इज रिफ्रैक्टेड हॉरिजॉन्टली एंड सन डॉग्स आर सीन टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द सन। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो सन जो मीन सन होता है उसके लेफ्ट और राइट साइड में दिखने को मिलता है। लार्जर प्लेट्स बबल मोर एंड दस प्रोड्यूस टॉलर सन डॉग्स। सन डॉग्स आर रेड कलर्ड एट द साइड नियरेस्ट द सन, जो सन के नियरेस्ट में होता है राइट साइड में। ठीक है,
उसमें क्या देता है, रेड कलर का दिखने को मिलता है हमें सन, ठीक है। फार्दर आउट द कलर ग्रेड थ्रो ऑरेंज टू ब्लू, ये मे बी ऑरेंज और ब्लू कलर का भी दिख सकता है। द कलर ओवरलैप्स कंसिडरेबली एंड आर म्यूटेड, नेवर प्योर और सैचुरेटेड। द कलर ऑफ द सन डॉग्स फाइनली मर्ज इन टू द वाइट ऑफ द पेरिफेरिक सर्किल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सन डॉग्स। नाइट आउट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।